उमर नाम का एक लड़का इसी बिल्डिंग में रहता था और हादसे से महज 2 घंटे ही पहले वो पंखा लेने के लिए बाहर गया था और जब वापस लौटा तो बिल्डिंग गिर चुकी थी। शाबेरी में जो हादसा हुआ है उसमें से एक शख्स ऐसा है जो इस हादसे से कुछ घंटे पहले ही इस बिल्डिंग से निकला था। उमर असलम नाम है और ये भी इसी बिल्डिंग में काम करते थे जहाँ पर जो ये निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, हालांकि ये दूसरी जगह पे काम करते थे और रहने के लिए यहाँ पर आते थे। असलम ये बताइए कि कितने बजे आप निकले थे? 9 बजे के करीब ये बिल्डिंग गिरी है, 9:30 बजे के आसपास। हम 7 बजे निकले थे बिल्डिंग से। 7 बजे निकलने के बाद उसके बाद फिर मैंने उसको कॉल किया जो लड़का मेरा था उस पर। क्या नाम उसका? मुजाहिद। ठीक है, तो उसको कॉल किया तो मैं उसको पूछा भाई क्या कर रहा, तो वो कह रहा कि मैं कपड़ा शॉप कर रहा हूँ अभी। तो उसके बाद कॉल मतलब हम काट दिए। उसके बाद फिर जो आए जो दोबारा, तो बिल्डिंग गिरा हुआ था। आपको लगता है कि भगवान ने बचा लिया आपको? बहुत लिया मुझे। किस काम से आप निकले थे? सर हम निकले थे पंखा के लिए। अच्छा, तो हम लोग सो रहे थे वहाँ पे, मतलब गर्मी लग रहा था, पंखा नहीं था। मैं सोचा लेके आ जाता हूँ पंखा, तुम लोग रहो मैं लेके आ रहा हूँ। तो हम लोग गए पंखा, हम गए पंखा लेने के लिए, तो वहाँ से आए जब तक पंखा लेंगे तब तक मतलब बिल्डिंग बर्स्ट हो गया। कितने लोग यहाँ पर रहते थे, कितने लोग सोने आते थे यहाँ? यहाँ पे हम लोग 5 लड़का रहते थे एक टीम में। अच्छा। मतलब 5 लड़का जो रहते थे, 5 में से 1 हम हैं, तो बचा 4 में से मतलब 3 लड़का का बॉडी निकल गया है। तो क्या क्या नाम है उनका? एक का नाम है शमशाद, एक का नाम है नौशाद, एक का नाम है सोनू, और मेरा भाई का नाम जो है मुजाहिद नाम है। वो आपका भाई था? वो मेरा भाई था, वो अभी तक मतलब दबा हुआ है, क्या है मतलब वो अभी नहीं निकला है वहाँ से। आप क्या काम करते थे यहाँ? हम तो POP का काम करते हैं। अच्छा, POP का। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि 2 घंटे पहले वो यहाँ से निकले थे और जब वो यहाँ पर वापस आए तो देखा कि बिल्डिंग गिर चुकी है।